नमस्कार स्वराज्य भारत, देख रहे हैं आप और मैं सत्यम मिश्रा। बात करते हैं सुबह की सुर्खियों की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,666, अब तक 109 लोगों की मौत। यूपी के 30 जिलों में कोरोना का कोहराम, उत्तराखंड में 13,000 लोग क्वारंटीन। चिड़ियाघर में भी पहुंचा कोरोना, न्यूयॉर्क की बाघिन मिली पॉजिटिव। तमिलनाडु में शराब ना मिलने पर 3 लोगों ने पिया वर्निश, मौत। हिमाचल प्रदेश चंबा में आज सुबह 7 बजे 3.1 तीव्रता वाला भूकंप आया। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। अकेले नोएडा में अब तक 58 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। सरकार के तमाम उपायों के बावजूद कोरोना नोएडा की झोपड़पट्टी और गांव तक दस्तक दे चुका है। वहीं उत्तराखंड में एक मरीज के मिलने से 13,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 294 मामले सामने आए हैं। सोमवार को 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 6 मरीज लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल, 8 मरीज सीतापुर के खैराबाद और 2 मरीज आगरा के SNMC में भर्ती हैं। अब तक वाराणसी, बस्ती और मेरठ में कोरोना से एक एक मरीज की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। हरिद्वार जिले रुड़की के पनियाला गांव में एक जमाती की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गांव के 13,000 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। इसके साथ ही कई लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। नोएडा के अलावा यूपी के दूसरे शहरों में भी कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। मेरठ में अब तक 33 मामले सामने आ चुके हैं। ताज नगरी आगरा में 47 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गाजियाबाद में 23 और सहारनपुर में 13 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। कानपुर और वाराणसी में 7-7 मामले सामने आ चुके हैं। वाराणसी में बीते दिनों एक शख्स की मौत हो गई थी, अब उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। इसके बाद जिला प्रशासन ने मदनपुरा, बजरडीहा, लोहता और गंगापुर के चारी में कर्फ्यू लगा दिया है। यूपी में करीब 30 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मरीज मिले हैं। यूपी में खतरा तबलीगी जमात के अलावा विदेश से लौटे लोगों से भी है। उधर 21 दिन के लॉकडाउन में यूपी के तमाम बड़े शहरों में सन्नाटा पसरा है। अब असली चुनौती लॉकडाउन के बाद के हालात पर है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आगे भी लोगों को एहतियात बरतना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। ऐसे ही खबरें पाने के लिए आप बने रहिए स्वराज भारत के साथ। धन्यवाद।